हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चूजी कॉर्नर। आप सबका मेरा स्पेंड द डे विथ मी एपिसोड 2 में स्वागत है। आज मैं कंप्लीट ब्लैक होकर जा रही हूँ। ये मेरा मॉम का गले और ये मेरा स्वेटर, यही पहन के मैं जा रहा हूँ खेत। कल जो आउटफिट जो पहना था उसको मैंने वॉश कर दिया, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, इसीलिए अभी मैं निकलती हूँ खेत के लिए। आप लोगों को खेत में मिलता हूँ। दोस्तों, हम पहुंच गया है खेती में। अभी मड़ुआ लगाएगा, मेरा माँ शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वही मड़ुआ है जिसको बगन से तोड़ के लाया था, आज हम लगा रहे हैं। जो सॉफ्ट है उसे हाँ जैसे दान लगाते हैं वैसे करेंगे, और जो हार्ड है उसे चेत करके लगाना पड़ेगा। उस साइड से बारिश आने के लिए कर रहे हैं, आगे साइड पूरा टिकटाक है मौसम, बादल का कोई गारंटी नहीं है, पटपट लगाना है। दोस्तों, अभी हम दोनों टी ब्रेक कर रहे हैं। टी ब्रेक माने सा ब्रेक। ब्रेक में हम ले रहे हैं रेड टी एंड केरल केक्स एंड बेक्स के पॉप बिस्किट। ये बिस्किट को खाने के बाद दांतों में चिपक जाता है, और उसको साफ़ करने के लिए अपना टंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी आप लोगों को मेरा माँ और हमको करते हुए नज़र आएगा। मेरा ब्रेक टाइम ओवर हो गया, अभी हमको वापस काम पे लग जाना है। मेरा माँ हथियार लेके गई है। धर्म ला लो बच्चा। जहाँ जहाँ मेरा माँ डालने के लिए चेत कर दिया है, वहाँ मैं अभी मैं इसे लगाऊंगा। आप लोग देखते जाओ किस तरह से मिलेट लगाते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं ग्लो पहन रही हूँ, और मेरा माँ उसके लिए भी ग्लोब लाया था, लेकिन वो नहीं पहन रही है, और मुझे भी बोल रहा है मत पहनो, बहुत ज़्यादा गर्म है, पसीना आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, नाखून में मती घुसने से बहुत ज़्यादा दर्द करता है, इसलिए मैं ग्लोब के साथ ही काम कर रहा हूँ। ये बंडल से मुझे पता चला है कि मेरा माँ का हाथ मेरा हाथ से ज़्यादा बड़ा है। दो करने के बाद ही मेरे लिए एक हाथ के लिए जुड़ रहा था। अच्छा से मती डालना है। वैसे भी बरसात यहाँ में कंटिन्यू हो ही रहे, बरसात में जो रूट में जो मिट्टी डाला है वो पूरा बह जाएगा। हम अभी तक इतना ही लगाए हैं। मेरा माँ देखो, माँ को इस लाठी से काम करते करते हाथ में दर्द होने लगा था, इसलिए उन्होंने बोला है कि मुझे कोशिश करने के लिए। आई एम ए बिगिनर दोस्तों, मुझसे नहीं होता है, कछुए की चाल में कोशिश कर रही हूँ। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसे विश्वास करके मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा अंदर भी स्पीड आ जाएगा होगा। एक समय ऐसा था जब माँ पिताजी और हम खेत जाते थे, उस वक्त पापा ऐसा चेत कर देता था, और मेरा माँ और हम मिलके मिलेट को लगाते थे। वो भी दिन कितना अच्छा था। आज अचानक से मुझे बहुत याद आया पिताजी का, अगर वो होता तो क्या होता, ऐसे सोच रहा था। समय के साथ शायद मैं सब कुछ भुला दूँगी, और यहाँ अपने यहाँ लोकल में मानते हैं जो गुजर चुके हैं उन्हें याद नहीं करना है, अगर याद करने से वो दूसरे दुनिया में वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, ऐसे बोलते हैं। और यही सोच के मैंने अपना पिताजी के बारे सोचना बंद कर दिया।
अपने लोकल भाषा में कहते हैं हालोदू। हालोदू का मतलब होता है एक बड़ा सा प्लांट जब छोटे प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस। तो अभी ये समय रहते ही ये ग्रास को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ये मिलेट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मिलेट बढ़ नहीं पाएंगे और मिलेट समय से पहले उसका फूल निकलने लगेगा और हार्वेस्ट इतना प्लेंटीफुल नहीं होगा। उसी रीजन से हम लोग अभी इसको साफ़ कर रहे हैं। एक बार अगर इसको अभी साफ़ कर देंगे तो ग्रास भी इतना लंबा नहीं हो पाएगा, ऐसा है मेरा माँ ने बताया।